संधि शब्द से भेदा संधि शब्द के भेद, संधि शब्द के तीन भेद होते हैं। संधि शब्द से त्रिभेदा संधि, संधि शब्द के भेद सभी जानते हैं। संधि शब्द के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम है अध संधि। दूसरा नाम होगा हल संधि। तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए स्वर संधि की डेफिनेशन, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर के पश्चात स्वर आता है तब उसे कौन सी संधि कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर के पश्चात स्वर आता है तब उसे कौन सी संधि कहते हैं? स्वर संधि। या फिर दूसरी होगी, स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। या फिर तीसरी होगी, स्वर के साथ स्वर के आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि,
पर रूप संधि अगली है प्रकृति भाव संधि। स्वर संधि के आठ भेद होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, विधि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। कितने भेद हुए? आठ। सबसे पहली है दीर्घ संधि। संस्कृत में इसकी डेफिनेशन रहेगी अकह सवर्ण दीर्घ, अकह सवर्ण दीर्घ। हिंदी में देखिए यदि भीष्म यदि रघु, यदि भीष्म यदि रघु अ ए उ रि के पश्चात, यदि ही से अधिक अ ए उ रि के पश्चात, पश्चात कर रहेगा बाद में, ही से अधिक अ ए उ रि आवे तो अ ए उ रि आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। दीर्घ संधि की परिभाषा होगी यदि भी से व्यतिरिक्त अ ए उ रि आवे रि के पश्चात, रि से व्यतिरिक्त अ ए उ रि आवे तो दोनों के स्थान पर क्या कौन सा आदेश होगा? दीर्घ आदेश होगा। सबसे पहला एग्जाम्पल रहेगा दत्ते है, दत्ते जमा अरि है, दत्ते जमा अरि है। यहाँ ए दिखाई दे रहा है क्या? ये में ए है और आगे भी ए है, जब ऋषव ए और ऋषव ए दोनों एक साथ आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? ए और ए दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। इस आ को इस ये में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? दत्यादि है। अगला है सस जमा अंकर, सस जमा अंकर। इस समय ए है, आगे भी ए है, ए और ए में क्या जाएंगे? आ हो जाएंगे। इस आ को समय मिला देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? सस अंकर, सस अंकर। शशांक समझ में आया क्या? शशांक समझ में आया? नेक्स्ट है गौर जमा अंग है, गौर जमा अंग है।
में अ है, आगे भी अ है, अ और अ में तो क्या देंगे आ, आप मिला देंगे रे में तो क्या जाएगा गौरांग है। गौरांग समझ में आया क्या? गौरांग है। नेक्स्ट है विद्याचना आले, विद्या जमा आले, यहां भी दीर्घ अ है और यहां भी दीर्घ अ है, दोनों को मिलाएंगे क्या जाएगा दीर्घ ही होगा तो क्या हो जाएगा विद्यालय। उसके बाद में है विद्या जमा अभ्यास है, विद्या जमा अभ्यास है, पहले दीर्घ आया हुआ है उसके बाद में विश्व आया हुआ है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा दीर्घ होगा विद्याभ्यास है, विद्याभ्यास है। नेक्स्ट है श्री जमा ईसर, श्री जमा ईसर, दोनों साइड में दीर्घ ई है, दोनों दीर्घ ई को मिलाएंगे तो क्या होगा दीर्घ ई होगा श्री सर। नेक्स्ट है अति जमा ई, अति जमा ई, जब हम छोटी ई को और छोटी ई को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा दीर्घ ई हो जाएगा अति। नेक्स्ट है परिजमा इच्छा, परिजमा इच्छा, छोटी को और बड़ी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई को रे में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा परीक्षा। उसके बाद में है विष्णु जमा उदय है, विष्णु जमा उदय, दोनों को मिलाएंगे क्या जाएगा विष्णुदय। नेक्स्ट है मधुजमा उत्मन, मधुजमा उत्मन, दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा मधुत्मम, मधुत्मम समझ में आएगा, मधुत्मम समझ में आएगा। नेक्स्ट है पोत्री जमा रिकार है, पोत्री जमा रिकार है, रिको मिलाएंगे तो क्या जाएगा होत्री कार है, क्या जाएगा होत्री कार है।